रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से बेसिक ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए डेसिमल को सिंपलीफाई कर देते हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब होता है कोई काम करना। और जब हम इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम इसको किस तरह से हल करें, कि इसमें ब्रैकेट्स में कुछ फिगर्स हैं और कुछ ब्रैकेट के बाहर हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा हिस्सा करें, सीधे हाथ वाला या उल्टे हाथ वाला, राइट और लेफ्ट। और अगर हम जो है अगर सही तरह से एक तरीके से इसको हल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर जो है या जवाब जो है वो गलत आएगा। तो बहुत पहले लोगों ने ये किया कि इसके लिए रूल्स, असूल और जवाबत बनाए। पीपल एग्री टू फॉलो रूल्स व्हेन डूइंग कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करते हुए अगर सब लोग एक ही तरह के तरीके को फॉलो करें तो सबके लिए आसानी हो जाए। उन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं इनको। तो इसमें सबसे पहले कोसाइन या ब्रैकेट्स को हल करते हैं, फिर पावर एक्सपोनेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसको हल करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन या ज़रब की तरफ आएंगे, फिर डिवीजन की तरफ, और फिर एडिशन, और आखिर में जो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसके लिए एक जुमला आप याद कर लें, प्लीज़ एक्सक्यूज माई डियर आंट सना। तो प्लीज़ हर पहला लफ्ज़ जो है वो एक पैरेंथेसिस के लिए पी आता है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को हल करना है, वरना आपका जवाब जो है वो गलत आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पावर रूट को हल करना है, जैसे 2 × 2 तो 4 आ गया, और उसके बाद फिर बाकी इक्वेशन हल करनी है। अगर आप पावर रूट को बाद में हल करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बिफोर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे तो जवाब गलत आएगा, लेकिन आम तौर पे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, उल्टे हाथ से शुरू होकर इक्वेशन के साथ राइट की तरफ जाते हैं। अगर आप राइट से शुरू करेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा। और सबसे एंड पे हम जमा करेंगे और उसके बाद में तफरीक करेंगे। तो ये हमारे जो हैं असूल, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ये इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह इस्लाम का मतलब है आइडियल सिस्टम ऑफ लिविंग फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम बनी नो इंसान के लिए जो बेहतरीन निज़ाम हयात है वो इस्लाम है। लेकिन हम क्यों इस पर अमल नहीं करते? इसलिए कि हम समझते हैं कि हमने अल्लाह को मान लिया है, हम इस तरीके पर अमल ना भी करें तो बहुत है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ए इंसानों, बेशक आ गई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और वो शिफा है उन बीमारियों की जो दिलों में है, और हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए जो मान लेते हैं और उस पर अमल करते हैं, असल में वही मोमिन है। तो प्यारे बच्चों, हमने खुद भी अच्छा इंसान बनना है और लोगों को भी इसकी दावत देनी है। तो इसके लिए कुरान मजीद को तर्जमे के साथ उर्दू ज़बान में पढ़ना शुरू करें, वो ज़बान जो आपको समझ आती है। अब हम जो हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन अभी सीखा है उसकी कुछ और मजीद वजाहत के लिए कुछ एग्जांपल्स हल करते हैं। अब आपने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है और वही असूल जो अभी हमने सीखे हैं उनको अप्लाई करना है। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें, खुद से इसको हल करें, फिर आगे इसका जवाब देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पैरेंथेसिस को आपने हल करना है, और यहाँ पे आप देखें कि हमने 2.1 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 0.7 को हल किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब 3 को हमने 1.3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3.9 आ गया। अब हम इसके बाद हम एडिशन करेंगे, तो हमने 2.1 में जब 3.9 ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमने जो है ऑर्डर को ऑफ ऑपरेशन को अप्लाई किया। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 8.2 माइनस ब्रैकेट में 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 3.1। अब यहाँ पे आप वीडियो रोकें, इसको सिंपलीफाई करें और उसके बाद इसका जवाब चेक करें। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके लिए हम जो है वो
2.2 और 1.1 को मल्टीप्लाई किया हमने, 2.42 आ गया हमारे पास, और फिर हमने इनको प्लस किया 2.42 और प्लस 3.1 तो 5.52 आ गया, और उसके बाद हमने 8.2 में से ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास आंसर आया उसे माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने 8.2 के साथ जीरो लगाया और कैरी किया 1, 8 आ गया, फिर 11 में से 5 माइनस किए 6 आ गए, और 7 में से 5 तो 2.68 हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन समझ आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।